यहाँ रोड देखो कितना बढ़िया दिख रहा है ना। मेरा जो डेस्टिनेशन है, फर्स्ट डेस्टिनेशन है उड़ांग। देखा कितना धूल है यहाँ पे। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से 33 किलोमीटर है मानस नेशनल पार्क। जैसा मैंने सोचा था वैसे है नहीं। मैंने सोचा था एक्चुअली मैं काजीरंगा के पास से हूँ, तो मुझे लगा था कि जो उड़ांग नेशनल पार्क है वो भी काजीरंगा वैसा ही होएगा। सो दिस इज उड़ांग नेशनल पार्क, उड़ांग टाइगर रिजर्व। अभी कुछ दिन पहले, एक डेढ़ महीने पहले, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट ये है कि एक फॉरेस्ट मैन को बाघ उठा के लेके चला गया, उसको पीछे से अटैक किया, उसके बाद उसको एक डेढ़ किलोमीटर ड्रैग करके लेके चला गया जंगल के अंदर। तो आराम से खुला हुआ है, यहाँ पे कोई है नहीं, गार्ड वगैरह भी है नहीं। सेकेंड थिंग ये है कि जो मेरा डेस्टिनेशन है वो मैं जल्दी पहुँचूँगा। और अभी मैं बताता हूँ इस रोड पर आप लोगों को क्या क्या मिलेंगे। यहाँ से आई हैव टू गो स्ट्रेट एक्चुअली। और उड़ांग का एक स्पेशलिटी है, दैट इज़ कि उड़ांग में अच्छा खासा रसगुल्ले मिलते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स वेरी गुड मॉर्निंग एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 5:10 AM एंड दिस इज एक्चुअली तेजपुर यूनिवर्सिटी कैंपस। एंड टुडे आई एम हेडिंग टूवर्ड्स बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। Well, I'm Konkur Bora and welcome to a new video and welcome back to my channel Konkur Bora Travel Diary। मेरा सुबह सुबह निकलने का इरादा ये था कि मेरे को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पहली बात तो है। और सेकेंड थिंग ये है कि जो मेरा डेस्टिनेशन है वो मैं जल्दी पहुँचूँगा। और अभी मैं बताता हूँ इस रोड पर आप लोगों को क्या क्या मिलेंगे। ये जो रोड है, इसी रोड से आप वेस्ट बंगाल वगैरह तक जा सकते हैं सीधा। एक जगह मिलती है आगे जाके, दैट प्लेस इज़ नोन एज बाइहटा चरेली। वहाँ से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा गुवाहाटी के लिए। और फिलहाल अभी मेरे को पहले मिलेंगे एक जगह है, उसका नाम है ढेकियाचुली। उसके बाद वैसे बहुत सारे जगह मिलेंगे, बट जो फेमस पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ। ढेकियाचुली मिलेंगे, उसके बाद मंगोलडे मिलेंगे, और मंगोलडे मिलने से पहले एक वेरी स्पेशल प्लेस मिलेंगे, दैट इज़ नोन एज उड़ांग नेशनल पार्क। बाकी मैं आप लोगों को बता के जाऊँगा कि कौन सा पॉइंट मिला है। बट अभी मेरा जो डेस्टिनेशन है, फर्स्ट डेस्टिनेशन है उड़ांग। उड़ांग में मुझे पहुंचना है और मैं थोड़ा सा उड़ांग नेशनल पार्क की तरफ जाऊंगा। हालांकि मैं नेशनल पार्क में घुसूंगा नहीं, मैं इतना टाइम लेकर आया नहीं हूं, लेकिन मैं ना कहीं पे थोड़ा सा व्यू पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे कहीं पे व्यू पॉइंट मिल गया तो वहाँ से मैं कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने की कोशिश करूँगा, शायद मुझे कुछ वाइल्ड एनिमल मिल जाएंगे। और अगर नहीं भी मिलेगा देन आई शो यू द रोड एक्चुअली। ओके, आप लोग अगर इस साइड पे आते हो तो इस साइड का जो रोड है वो आप लोगों के लिए इजी बन जाएगा। सो दिस इज़ उड़ांग, आई जस्ट रीच्ड हियर। यहाँ से आई हैव टू गो स्ट्रेट एक्चुअली। बट ये जो दिख रहा है ना उड़ांग टू डोलगांव, दिस इज़ एक्चुअली शॉर्टकट। अगर मैं सीधा जाऊँगा तो भी मुझे डोलगांव मिलेंगे, बट मैं ना यहाँ से जाऊँगा। ये वाला जो रोड है ये मुझे पता है। एंड अगर हम लोग इस साइड से राइट जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। तो सरगांव वगैरह जो लोग जाते हैं मंगोलडे होके, तो इसी साइड से जाते हैं। और उड़ांग का एक स्पेशलिटी है, दैट इज़ कि उड़ांग में अच्छा खासा रसगुल्ले मिलते हैं। बट अभी ये जो दुकानें हैं ये खोलने में टाइम है, मैं आप लोगों को टाइम बताता हूँ कितना हुआ है। अभी टाइम हुआ है 6:39। ये जो सीधा रोड जा रही है, इसी रोड से वो उड़ांग नेशनल पार्क जाते हैं। अगर इस रोड से आप लोग जाते हो डोलगांव तक, 10-15 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा। ये पेडी फील्ड देखो कितनी भरी है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पेडी फील्ड ही है। धान धान धान, पूरा धान। इस साइड पे भी है ये। चलो, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू give your comment। See the beautiful paddy field, this is our northeast Assam। ये आप लोगों को अभी दिखाई देगा, कुछ दिन बाद ये बंजर हो जाएगा। यहाँ पे जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा उसके बाद ये दिखेगा नहीं, ये ग्रीनरी नहीं रहेगा। सी यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू उड़ांग टाइगर रिजर्व। यहाँ से 5 किलोमीटर है और यहाँ पे ये जो रोड है ना, ये कुछ 1-1.5 किलोमीटर ख़राब है। ख़राब है इन द सेंस कुछ 2-3 महीने में बन जाएगा, इसको अभी
प्रिपरेशन मोड में है, लगभग तैयार कर चुके हैं बनाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ से 5 किलोमीटर बता रहा है और आगे से मुझे लेना पड़ेगा लेफ्ट फॉर द ओरांग नेशनल पार्क। एक्चुअली बाइक लेके जब आते हैं थोड़ा बहुत अगर ऑफ रोड मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है। चलो इतना ही ऑफ रोड है ये वाले रोड पे, जस्ट 1-2 किलोमीटर आप लोगों को ऑफ रोड मिलेगी, गाड़ी वगैरह आराम से जा सकती है क्योंकि मैं यहाँ से मैक्सिमम टाइम 4-व्हीलर लेके ही गया हूँ। तो ये रहा वो पॉइंट, तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा लेफ्ट, ये मैंने ले लिया लेफ्ट। तो 1-2 किलोमीटर जाने के बाद ओरांग नेशनल पार्क मिलेगा। सो ये वाला पॉइंट मिलते हैं, यहाँ से राइट लेके हमें सीधा जाना है फॉर द नेशनल पार्क और यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर होएगा आगे तक। तो चलो इस रोड पे जाना है और ये वाला जो सेंटर है ना आप लोगों को याद रखना है, वो वाला पॉइंट जहाँ पे थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब है, जो सेंटर है छोटा सा टाउनशिप है, वहीं से ही आपको ये रोड पे आना है। तो यहाँ के ये बोर्ड मिलती है, वेलकम टू ओरांग टाइगर रिजर्व 500 मीटर। तो ओरांग नेशनल पार्क जो है ये एक्चुअली में एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बाघ है बहुत सारे। तो अभी कुछ दिन पहले 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट ये है कि एक फॉरेस्ट मैन को बाघ उठा के लेके चला गया, उसको पीछे से अटैक किया, उसके बाद उसको 1-1.5 किलोमीटर ड्रैग करके लेके चला गया जंगल के अंदर और बहुत कोशिश के बाद उसका डेड बॉडी जो है वो मिला है। सो दिस इज़ ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग टाइगर रिजर्व ऑफ असम। चलिए ये तो खुला हुआ है, वेलकम टू। तो आराम से खुला हुआ है, यहाँ पे कोई है नहीं, गार्ड वगैरह भी है नहीं। ओरांग नेशनल पार्क जो है ये डोरंग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। चलो पूछते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे जाएंगे, किसी को ढूंढते हैं। तो यहाँ आगे एक इको कैंप है, मैंने बातचीत किया एक फॉरेस्ट गार्ड से तो उन्होंने बोला कि आप इको कैंप तक जा सकते हैं। और बाकी एक्चुअली ये काजीरंगा नेशनल पार्क जैसा है नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या है ना, हमारा जो 37 नेशनल हाईवे है वहाँ पे रोड के पास बहुत सारा व्यू पॉइंट्स है, वहाँ से हम फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इस साइड पे ऐसा नहीं है। इस साइड पे आपको अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद से आपको ऐसे व्यू पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। और दिस इज़ ओरांग इको कैंप, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी अभी कोई नहीं है, अभी सुबह की टाइम है और यहाँ से जा सकते हैं। चलो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे ये मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। तो ये अंदर जाती है ये वाली एक रोड, साइड ये घुमाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से आप जाओ और उसके बाद यहाँ से आपको लेके आएंगे। दिस इज द टिकट काउंटर और इको कैंप जो है इस साइड पे है। सो यहाँ पे मुझे मिला नहीं कुछ व्यू पॉइंट्स वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं। सो मैं यहाँ से निकलता हूँ और मेरा भी राइड रहेगा बंगाईगांव तक, और बंगाईगांव तक वही है रोड, रोड रहेगा, रोड एक्सप्लोर करूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देखते रहना, है ना। तो यहाँ पे जो डॉर्मेटरी फैसिलिटी है ये यहाँ पे मैंने देखा अभी 2-3 लड़के को रुके हुए। तो जो यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड वगैरह है ना, अपना दोस्त या किसी को ला के रखते हैं। बाकी ये तो जो नॉर्मल लोग हैं ना उसके लिए होना चाहिए जो बाहर से आते हैं, और जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह है उन लोगों का तो बोल ही नहीं सकते कि किस लेवल का एटीट्यूड है। मैंने पूछा था एक बंदे को
कि यहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, बोला कि स्टूडेंट वगैरह जब आते हैं तो रुकते हैं। अरे फॉरेस्ट पता नहीं ये कौन सा फैसिलिटी है कि बाहर से स्टूडेंट आके यहाँ पे रुकेंगे, क्यों रुकेंगे स्टूडेंट आके। तो अभी क्या है ना, आज यहाँ पे एग्ज़ाम है तो उनका ही कोई दोस्त यार यहाँ पे रुके हुए है, तो उसने मेरे को वैसे बताया। फिलहाल ये जो नेशनल पार्क है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है हमारे आसाम की, ठीक ठाक है। आप लोग अगर आते हो इसमें विजिट कर सकते हो, बट ये काजीरंगा जैसा है नहीं, काजीरंगा इज़ सो डिफरेंट है ना। जिसने एक बार काजीरंगा देख लिया उसके बाद ऐसे पार्क में आएंगे ही नहीं। बट हर एक पार्क का अपना एक खूबी रहता है। ये जो एरिया है ठीक ठाक ही है एरिया, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं। तो अपना जो राइड है अभी बंगाईगांव तक जाना है, और उससे पहले मैं पहुँचूँगा मंगलरोय। मंगलरोय में कोशिश रहेगा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने का, तो आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा होटल वगैरह सूटेबल होगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग इस रोड पे आते हो तो। तो इस रोड पे आप इस वाले जो रेस्टोरेंट है ना रिपोज, इस वाले में भी आ सकते हैं। ये भी ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक है और एक्सपेंसिव भी है। उसके बाद थोड़ा आगे मिलेगा वो दिखाता हूँ। तेजपुर साइड से आ रहे हो तो पहले आपको रिपोज मिलेगा, रिपोज के बाद ये वाला मिलेगा। ये एक फ्यूल पम्प भी है, ये फैमिली रेस्टोरेंट है। पहले ना मैं फ्यूल अप करवा लूँ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लूँगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज आसाम में, एक्चुअली एक बहुत ख़राब बात चल रही है। ये जो गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे ही एग्ज़ाम वगैरह कुछ होते हैं दिन भर के लिए नेट बंद हो जाती है। इससे हम जैसे लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी मेरे पास कैश नहीं है और फ्यूल मैं डालूँ कैसे। सो मेरा किस्मत सही था, मैंने यहाँ से ही वाईफाई कनेक्टिविटी लिया और उसके बाद स्कैन पे किया, गूगल पे किया, तो मेरा फ्यूल अप हो गया। तो मैंने फ्यूल अप करवा लिया और जो ओनर थे उन्होंने भी हेल्प किया। अगर वाईफाई नहीं होता तो वो ही वॉज टेलिंग मी कि मैं आपको फ्यूल डलवा देता हूँ, तो इतना हेल्प करने के लिए वो राज़ी था। तो यही है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ ये वाला जो हवा है, ये वाला जो होटल है बहुत रिकमेंडेबल है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और ऊपर से जो ओनर है ही इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड पर्सन। तो आप लोग भी जब इस रोड से आओगे, गुवाहाटी से हो या तेजपुर से हो, अगर गुवाहाटी से आओगे तो देन आपको लेफ्ट में पड़ेगा और तेजपुर से आओगे तो राइट में पड़ेगा। तो रिपूज और ये जो है ना ये आसपास ही है, इसमें आप लोग आना, आप लोगों को अच्छा खासा खाने के साथ अच्छा हॉस्पिटलिटी भी मिलेगा। ये रहा बयाद चारियाली, और यहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ और यहाँ से लेफ्ट भी ले सकता हूँ। लेफ्ट लेने से भी मेरे को हाईवे मिल जाएगा और आगे जाके भी मैं हाईवे पकड़ सकता हूँ। रूरल कामरूप में आता है ये एरिया, हमने जो है ना यही हाईवे है और लेफ्ट फॉर द गुवाहाटी एंड द राइट फॉर बंगाईगांव एंड अदर डिस्ट्रिक्ट लाइक नलबारी, बरपेटा, बिजनी, ये सारे जो जगह है ना अभी मिलेंगे। और अभी यहाँ से सिर्फ मुझे जाना है सीधा, नो लेफ्ट एंड राइट। ये हाईवे मुझे मिल गया, ये जो हाईवे है ये फोर लेन है। अभी ये रास्ता ख़राब होकर रखा हुआ है क्योंकि ये जो है ना ब्रिज बन रही है, फ्लाईओवर बन रही है। देखा कितना धूल है यहाँ पे। दिस इज़ एक्चुअली बोरपेटा, और ये जो ट्रैफिक पॉइंट दिख रहा है ना, ट्रैफिक पॉइंट से मैं थोड़ा सा आगे आ गया, लेकिन ट्रैफिक पॉइंट से ये जो राइट जा रही है ये जाती है मानस नेशनल पार्क। तो अगर आप लोग सोचते हो कि मानस नेशनल पार्क जाओगे तो आप लोगों को बोरपेटा आना पड़ेगा और ये वाला जो रोड है यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से 33 किलोमीटर है मानस नेशनल पार्क। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, एक स्मॉल सी ब्रेक, और उसके बाद अपना जो है राइड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ रोड देखो कितना बढ़िया दिख रहा है ना। तो अभी और ज़्यादा दूर है नहीं, बंगाईगांव जो मेरा डेस्टिनेशन है वो जगह मैं पहुँच जाऊँगा। आगे एक टोल प्लाजा मिलेगा, उसको क्रॉस करना है। उसको क्रॉस करने के बाद मतलब ये बंगाईगांव मिल ही गया, और ये रहा बंगाईगांव टोल प्लाजा। चलो ये क्रॉस हो लिया, मतलब अपना जो है डेस्टिनेशन पहुंच गया। बाकी ये जो एरिया है ना, इस एरिया का नाम है ढोलापड़ा। दिस रिवर इज़ नोन एज आई रिवर, इसको आई नदी बोलते हैं।
आई मीन्स इन आसामिस माँ, जैसे आप बोंगाईगांव घुसते हो टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर आने के बाद आपको ये रिवर क्रॉस करना पड़ेगा और सामने ये देखो पहाड़। ऐसा लगता है कि बोंगाईगांव हिल स्टेशन है। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट। अभी ये नेशनल हाईवे मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो हमें ग्वालपाड़ा मिलेंगे 49 किलोमीटर के बाद। उसके बाद 111 किलोमीटर में हमें धुबरी मिलेंगे और 182 किलोमीटर जाने के बाद हमें गुवाहाटी मिलेंगे। मतलब गुवाहाटी वाला जो रूट है वो ग्वालपाड़ा होकर जाना पड़ेगा। और उसके बाद इस साइड पे अगर आप लोग वेस्ट बंगाल जाते हो ना, सिलीगुड़ी जाना है, बोंगाईगांव आना है, लाइक आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा जैसे मैंने लिया। अभी मुझे पहले बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, बोंगाईगांव और सिरांग डिस्ट्रिक्ट। सिरांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो बीटीएडी में आते हैं। पहले बोंगाईगांव मिलेंगे, उसके बाद अगर मैं जाता रहूँगा तो मुझे मिलेंगे कुकराझार, और कुकराझार मिलने के बाद मुझे मिलेंगे कोचबिहार, और कोचबिहार के बाद मतलब वेस्ट बंगाल शुरू। चलो तो ये रहा मेरा डेस्टिनेशन, मुझे मिल गया। ये अभी फ्लाईओवर बन रही है, ये रहा बोंगाईगांव टाउन के लिए। यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट और सीधा जो है कुकराझार, वेस्ट बंगाल, कुचबिहार इस साइड पे। एंड आप लोगों को मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी द ट्रैफिक वायलेशन ऑफ बोंगाईगांव। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव ए लाइक एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो फॉर माई इम्प्रूवमेंट। थैंक्स अगेन।